पंजाब दे विच चार जिमनी चोणां आ गईआं ने जिस दे विच डेरा बाबा नानक दी सीट ते कहिंदे सब तों ज्यादा खड़का धड़का होया क्योंकि उत्थे सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां दा परिवार मैदान च एक बार फिर उतरिआ ते दूजे पासे गुरदीप सिंह रंधावा होरां ने भी पूरी वाह लगा दित्ती। 25 साल सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां नाल रहे ने, 2022 च भी इलैक्शन लड़ी सीगी, हार दा सामना करना पिआ, लेकिन हुण कह रहे ने कि असीं जित्तांगे जरूर। गलबात कर लैंदे आ रंधावा साहब, किस तरीके दे नाल देखदे हो 25 साल रहे हो सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां दे नाल, और कहिंदे ओ एरिया तां सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां दा पूरा दबदबा है, डेरा बाबा नानक जितना किड्डा वड्डा चैलेंज है? देखो दबदबा सी हैगा नहीं, अच्छा जदों सीगा उदों सीगा, अज नहीं, ठीक है। बड़ा लम्मा समां उन्हां दे फादर साहब सरदार संतोख सिंह रंधावा जी अज दुनिया च नहीं रहे, बड़े वड्डे अहुदियां ते उन्हां मिनिस्ट्रियां हंडाईआं, पंजाब दे प्रधान रहे। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी पिछले 20-25 सालां तों एम एल ए बने, वजीर बने, बड़ा दबदबा सीगा, पर लोकां ने एक दिन दबदबा दा, प्रकाश सिंह बादल दा भी बड़ा सीगा पंजाब च, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा भी बड़ा दबदबा सीगा, किथे ने दबदबा वाले ओ, लोकां ने हाशिए तों कढ़ते ने। ये दबदबा जिहड़ा वा लोकां दा ही है, लोक लगदा तुसीं ओह किला ढा दोगे रंधावा होरां दा किला जिहड़ा ढा दोगे? लोक ढाउणगे, मैं नहीं ढाउंगा, मैं जिदन बंदे जाजे उदन बंदा अपने आप नूं खत्म समझे। लेकिन 25 साल तुसी तां नाल रहे हो, तुसी तां रग रग तों वाकफ हो। मैं बिलकुल रग रग तों वाकफ आ, मैनू कल्ली कल्ली गल दा पता है, ठीक नी, दा पेच सारे मैं सिखे ने, ये नहीं कि मेरे को दा पेच कोई नहीं मनाउंदा, मैनू सारे दा पेच आउंदे। लगदा कि रंधावा होरी इस बार सीधा मुकाबला रंधावा दे नाल ही रहेगा गुरदीप होरां नाल? बिलकुल हो सकदा, मैं ये तुहानूं मैनूं हफ्ते के बाद आयो, ठीक है ना, नॉमीनेशन भर दो, मेरा चक्कर कटियो उत्थे डेरा बाबा नानक दा, हफ्ते के बाद आयो, फिर पिंडां च जायो, पिंडां दीआं सत्थां च, ठीक है, ते फिर पिंडां दीआं सत्थां च जाके लोकां नूं पुछियो कि किहदा मुकाबला किहदे नाल। लेकिन इस वार तां हुण पंथ दे विच लंगा होरां दी भी वापसी होगी और अकाली दल उन्हां दे परिवार चों टिकट दे रहा किसे नूं, दूजे पासे कालो होरी भी मैदान दे विच ने। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਲੰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਲੰਗਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਹੋੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਬਸ। इस बार तो बीजेपी कहिंदे इलैक्शन जिहड़ी डेरा बाबा नानक दी लड़नी है ना, वह करतारपुर साहब कोरीडोर ते 5 साल दी होर जिहड़ी अगो उन्होंने एक्सटेंड कर दिता है, वह पूरा माहौल जिहड़ा वा उस पासे बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। पिछली बारी भी इलैक्शन जदों 24 वाली हुई सी उदों भी कोरीडोर बनिया सीगा, जां उदों सारी डेरा बाबा नानक चो 6 हज़ार वोट पई है, हुण अगे देख लो की बनना है, उदों पहलां 22 भी हुई है उदों भी कोरीडोर बनिया सी, उदों 1500 वोट पई सीगी, 20 रुपये जो यूएस के 20 डॉलर लगते उन्हें भी तो खत्म करो ना, जिन्ना गुरु नानक साहब के दर से नतमस्तक होना है। कह रहे 20 डॉलर की फीस खत्म होनी चाहिए? बिलकुल होनी चाहिए, जे सिख संगत जो गुरु नानक साहब मानते लोग ने शरदा न जाते ने, वो पहला तो 20 डॉलर जे घर के चार्ज ही आ 100 डॉलर पहला पैदा कर, 80 डॉलर 80 हो गए या 5 हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना, वह तो 25-40-50 हज़ार जेब च होगा फिर ही मत्था टेकेगा। पासपोर्ट वाली भी उत्थे शर्त खत्म होनी चाहिए, लोकल मंग होनी चाहिए, बहुत सारे लोग जिन्हों को पासपोर्ट ही नहीं, तुसी आधार कार्ड से भेज दो बंदे नूं, तुसी कहड़ा उन्हां नूं वीजा देना कि वीजा पासपोर्ट से वीजा लाउंडे हो, वेखना ही है तुसी आधार कार्ड ही देख लो, तो जदों तुसी सवेरे भेजना तो शाम नूं वापस 5 बजे तो पहला वापस मंगा लेना, तो फिर इहो जिहियां शर्तां की जरूरत की है? ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਗੜਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੌਸ ਤਾਂ ਬੌਸ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੌਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚ ਐਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਘਰ ਚ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ? ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਰ ਹੈ ਨੀਗਾ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਇੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ,
बिलकुल एक ही परिवार है जिहड़ा कांग्रेस नूं चला सकदा, बाकी परिवार कित्थे ने? पार्टी नूं होर कोई बंदा नहीं दिखदा। आम आदमी पार्टी आम घर चो किसी नूं लै के उम्मीदवार बनाउण डई आ। मैं तां आम बंदा जिम्मेदार बंदा, मेरा कोई पिछोकड़ नहीं, मेरा कड़ा कोई प्यो दादा एमएलए वजीर दे। यार इलेक्शन परिवारवाद दे नाम ते लड़ोगे कि? बिल्कुल परिवारवाद दे नाम ते लड़ांगा, लोकां नूं दसांगा कि परिवारवाद नूं खत्म करो, इस बार आम घर दे बंदे नूं बनाओ। बहुत धन्यवाद।